वो जनरली बोलते हैं मूवीज की दुनिया के अंदर अगर किसी मूवी के अंदर कॉमेडी एक्शन ड्रामा हो जाए ना, वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। ये फॉर्मूला ना एकदम कमर्शियल मूवीज के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मराठी मूवीज के जनरली बहुत ज़्यादा डेप्थ रहती है, स्टोरी रहती है, और अगर कोई ऐसी मूवी आती है जिसके अंदर कॉमेडी एक्शन ड्रामा होता है और नाम भी एक डिश के ऊपर होता है, घर में दो बिरयानी, क्या वो चलती है कि नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है, क्योंकि थिएटर्स के अंदर तो ये ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी। अब ये Z5 के ऊपर भी आ चुकी है, हिंदी के अंदर नहीं आएगी, आपको मराठी में हिंदी सब टाइटल्स या इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ आप देख सकते हो। किस तरीके की मूवी है, कैसे आपको इंगेज करती है, कैसे तीन इंसानों की अजीब सी जिंदगी अचानक से मिल जाती है, उसके बारे में कहानी है। इसके अंदर जो स्टार कर रहे हैं वो आकाश थौसर है, फिर सयाजी शिंदे बहुत ही बढ़िया एक्टर है, आपने हिंदी फिल्मों में बहुत बारी देखा होगा इनको, फिर नागराज मंजुले जो यहाँ पर ऑलमोस्ट दबंग प्लस सिंघम टाइप बने हुए हैं और एक्टर हैं यहाँ पर बने हुए, लेकिन एक्चुअली में डायरेक्टर है। झुंड मूवी अगर आपने देखी हो तो वो थे यहाँ पर। तो कहानी जो है वो तो 3 घंटे चलती रहती है, लेकिन इसको मैं कॉम्प्लेक्स को छोटा करते हुए आपको बताता हूँ कि बेसिकली 3 कहानी है। सयाजी शिंदे यानी कि कमांडर है, उनको एक मिनिस्टर साहब से बदला लेना, क्यों लेना है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली नहीं है, तो ये फैमिली लेस इंसान है, तो इस पर गौर करिएगा ज़रा। फिर उसके बाद आपको आकाश थौसर की कहानी दिखाई जाती है यानी कि रोया की। अब इसकी भी कोई फैमिली नहीं है और लेकिन शादी करने के बिल्कुल कगार के अंदर है, बिरयानी एक्सपर्ट है। किस वजह से बिरयानी एक कॉमिक तरीके से कमांडर साहब की ज़िंदगी के अंदर मिक्स हो जाती है और कमांडर साहब इनको अगवा कर लेते हैं और अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और दो ऐसे लोग जिनके पास फैमिली नहीं है वो कैसे बॉन्ड करते हैं आप ये देखते हैं। बट अभी कहानी इतनी ज़्यादा सुलझी नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मंजुले साहब भी आ जाते हैं दबंग स्टाइल के अंदर और उनको डिसमेंटल करना है, ये ग्रुप रेबल ग्रुप जो कि क्रांति ला सकता है या फिर ये कह सकते हैं कि अशांति फैला सकता है। तो क्या वो अशांति फैला रहा है कि जनमिली बदला ले रहा है, और क्या ये तीनों की जो कहानी है वो डी कॉम्प्लेक्स हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पाथ्स हैं वो तो क्रॉस होंगे ही होंगे, क्योंकि मंजुले साहब को रोकना है कमांडर को, कमांडर के पास एक नया बच्चा आ गया जिसका नाम है रया, रया की अपनी कहानी चल रही है, उसकी लव स्टोरी भी है, बट वो कमांडर के अंदर आ चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम ही डजंट हैव अ फैमिली एंड ही फाइंड फैमिली विद कमांडर एंड हिज ग्रुप। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कौन किसकी मदद करके कैसे ये तारे सुलझती हैं, क्या ये मंजुले साहब जो बिल्कुल स्ट्रेट फेस करके यहाँ पर थोड़ा लेस एक्टिंग करते हुए लेकिन अच्छा एक्शन करते हुए जो एक्टिंग कर रहे हैं, क्या वो समझ पाएंगे स्टोरी ऑफ रया या कमांडर, यही सब आपको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न भी कुछ होते हैं, कॉमेडी एक्शन ड्रामा जैसे मैंने बोला ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी लगेगी आपको। बार बार मैं ये चीज़ बोल ही रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है अजीब सा इन लोगों में और किस वजह से होता है ये देख के आपको अच्छा लगेगा। जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगने वाली है इसके अंदर वो ये है कि जिस तरीके से कहानी में आप 3 घंटा इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद आपको पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा टीज कर दिया जाता है। दूसरा, डायरेक्शन इज ओके, इट इज़ नॉट ब्रिलियंट, प्लस डायरेक्टर साहब ने मेरे ख्याल से एडिटिंग टेबल पर नहीं बैठे, एडिटर को अलग से बिठा दिया गया है कि आप देख लो क्या करने का है, तो उन्होंने गाने और सीन काफ़ी सारे रखे हैं जिस वजह से इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बट हैविंग सेड दैट, ये मूवी अपने बजट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज्ड टाइप्स ही रखने की कोशिश करेगी, ये स्टिल्स लाके स्लो मोशंस का यूज़ करके पीछे टेक्स्ट यूज़ करके उन्होंने काफ़ी कुछ ये करने की कोशिश करी है, जिससे महसूस तो होता है कि बजट कम है, बट एट द सेम टाइम आपको इतना दुख नहीं होता कि पैसा इज़ नॉट वेल यूटिलाइज। तो ओवरऑल बेसिस पर कोई एंटरटेन करेगी, लेकिन कुछ सवाल आपके दिमाग में चलते रहेंगे कि अब थोड़ी फिनिश की कमी है इसके अंदर, वो फिनिश का अगर टेक केयर कर ले तो शायद मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मूवी हो सकती थी। और इस तरीके की मूवी मेरे ख्याल से तो अच्छी बन जाती हैं, थोड़ा सा अच्छा कॉमिक फ्लेवर भी आता है इसके अंदर, आपको स्माइल भी बनी रहती है और थोड़ा सा कंसर्न भी फील होता रहता है कैरेक्टर्स के लिए। उसको अगर एक लैंग्वेज में हिट हो गई तो दूसरे लैंग्वेज में डब करके ज़रूर दिखाना चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हिंदी में आए, बट हिंदी में आई थी और काफ़ी सारे आप लोग मेरे से मांग रहे थे इसका रिव्यू, तो मैंने देख ली, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग तो ये मुझे पहले ही देख लेनी चाहिए थी, जब ये थिएटर्स में आई थी तब मैं देख नहीं पाया था। मेरा मूवी शू की स्कोर इसके लिए रहेगा 7/10, इट्स अ गुड वॉच बट इट्स नॉट अ ब्रिलियंट वॉच आई वुड से। और जो लोग, बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से मंजुले साहब के लिए मूवी देखेंगे, क्योंकि ही इज़ वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड काइंड ऑफ अ डायरेक्टर, मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक एक्टिंग करी है, लेकिन वो बिल्कुल प्रोग्रेस वाली एक्टिंग मुझे नहीं लगी, थोड़ा स्ट्रेट फेस और लिमिटेड बॉडी लैंग्वेज के साथ लिमिटेड ही सब कुछ उन्होंने किया है, लेकिन जितना किया है वो एक स्ट्रिक्ट तरीके के और उसके नीचे भी एक हल्का सा कॉमिक फ्लेवर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस टर्न है, करने की कोशिश करी है। बट वो एक जो सुलझे हुए आर्टिस्ट होते हैं जैसे यहाँ पर सयाजी शिंदे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से हर एक्सप्रेशन दे पाए, चाहे वो सैड हैं, चाहे कॉमिक कर रहे हैं, या किसी को डांट रहे हैं, किसी को बंदूक मार रहे हैं, कट्टे वो भी
मार रहे हैं, तो वो उसमें के अंदर भी कहीं ना कहीं कॉमे आ जाता है कि वही आदमी है जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से वो डायलॉग भी फेमस कर दिया था, ये बच्चा या तो जरा मन में हंस के दिखाओ। तो इंटरेस्टिंग है देखो, मतलब एंटरटेन तो आपको करेगी, अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है देखने के लिए तो ये देखोगे तो आपको इंटरेस्ट माइनस भी आएगी और आपको अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा स्टोरी का। बड़ी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज के साथ, स्टे कनेक्टेड।